स्टूडेंट्स ये एनसीआर टी एक्सरसाइज प्रॉब्लम टू पॉइंट ट्वेंटी फ्रॉम पेज नंबर ऑफ है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं अ फाइव परसेंट सोल्यूशन बाई शुगर केन इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवेंटी वन कैलविन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट ग्लूकोज इन वाटर ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन आपसे बोला गया है कि जब आपने एक सॉल्यूशन में फाइव परसेंट केन शुगर दैट मींस कि सुक्रोज ऐड किया तो जो वाटर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना रिपोर्ट हुआ है टू सेवेंटी वन राइट जब आपने वाटर में फाइव परसेंट ग्लूकोज ऐड किया ठीक है अभी जो हमारे पास सुक्रोज होता है वो नॉर्मली ग्लूकोज में ही डिसोसिएट होता है राइट तो ये बोल रहे हैं कि अब आपने सुक्रोज की जगह पे ग्लूकोज अगर फाइव परसेंट एड किया तो उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा अगर मेरे पास प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविना इसके लिए नॉर्मली हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए आप के जी में लोगे राइट इन टू एम बी अब ये जो हमारे पास रिलेशन है ठीक है इससे आपने पहले क्या फाइंड आउट करना है इससे पहले आपने के एफ डेट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट सुक्रोस के लिए फाइंड आउट करोगे वही वैल्यू आप जो है इस रिलेशन में पुट करोगे और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ़ ग्लूकोज़ जो है वो फाइंड आउट करोगे, राइट? तो अब ये पहले हमने के एफ फाइंड आउट करना तो डेफिनेटली। इन केस ऑफ़ सुक्रोज़, दैट मींस केन शुगर हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, राइट? सो यू कैन राइट फॉर केन शुगर। अब हमारे पास जो टी एफ है ठीक है टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है दैट इज टू सेवन टी वन टी एफ नॉट जो है इन्होंने मैंशन किया हुआ है मतलब कि जो हमारे पास प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन फर्स्ट केस में हमने डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करना है सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हमारे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ आ जाएगा राइट टी एफ नॉट की वैल्यू टू सेवन थ्री पॉइंट कैलविन माइनस टी एफ टू सेवेंटी कैलविन आ गया सो टी एफ नॉट माइनस टी एफ टू सेवन फाइव माइनस टू सेवेंटी वन योर आंसर इज टू पॉइंट वन फाइव अब हम ये जो वैल्यू है इस रिलेशन में पुट करके के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट सो so, के एफ जो है वो आप एक साइड रख लोगे राइट एंड बाकी टर्म्स जो है वो दूसरी साइड चले जाएंगी क्योंकि हमने के एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए ये याद रखना है कि डब्ल्यू एस कि हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है वो अपने के जी में लेना है राइट इनटू एम बी एम बी हमारे पास यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूट हम केन शुगर ले रहे हैं राइट सो अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास डब्ल्यू बी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां पे लिख सकते हो कि हम कंपोनेंट ए जो है वाटर को मान रहे हैं जहां पे भी हमारे पास सब्सक्रिप्ट ए आएगा वहां पे हम वाटर की बात कर रहे हैं राइट और कंपोनेंट बी जो है हम जब फर्स्ट केस में के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में हम केन शुगर को मानेंगे राइट और सेकेंड केस में हम ग्लूकोज को मानेंगे राइट right? नाउ अब हमने गिवन वैल्यूज देखनी है सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है टू पॉइंट वन फाइव कैलवीन ठीक है और डब्ल्यू ए हमारे पास कितना गिवन है दैट इज अब देखा जाए फाइव परसेंट जो है हमारे पास बोल रहे हैं कि बाय मास के इन शुगर प्रेजेंट है राइट right? तो ऑब्वियसली डब्ल्यू बी जो है वो हम फाइव ग्राम अज्यूम कर सकते हैं राइट सो अब सोल्यूशन किससे बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ठीक है तो अगर मैं हंड्रेड ग्राम का सोल्यूशन मान रही हूँ परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं हंड्रेड ग्राम का सोल्यूशन मान रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन में से जब आप सोल्यूट माइनस कर दोगे तो आपके पास सॉल्वेंट आ जाएगा नाइन्टी फाइव ग्राम आ गया अब हमें के जी में चाहिए है. तो हम इसको के जी में कन्वर्ट करेंगे सो so ऑब्वियसली आप साइड पर लिख सकते हो वन के जी इक्वल टू थाउजेंड ग्राम वन ग्राम इक्वल टू वन बाई था जीरो राइट अब नेक्स्ट आउट करना है हमने एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज मोलर मास ऑफ दॉल्यूट फर्स्ट केस में हमारे पास सोल्यूट जो है केन शुगर है राइट right? आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ओके सो एम बी इक्वल टू केन शुगर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन राइट सभी के टॉमिक मैसेज ऐड करेंगे सो so कार्बन का ट्वेल्व ग्राम पर मोल इंटू ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का वन ग्राम पर मोल इंटू ट्वेंटी टू ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम पर मोल इंटू इलेवन ट्वेल्थ ट्वेल्थ वन फोर्टी फोर ठीक है प्लस वन इंटू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आ गया सिक्सटीन इंटू इलेवन वन सेवेंटी सिक्स आएगा ठीक है अब यूनिट्स कॉमन निकाल सकते हो ग्राम पर मोल वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी टू प्लस वन सिक्स योर आंसर इज थ्री फोर्टी टू पर मोल अब सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं राइट सो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपने टू पॉइंट वन फाइव निकाल निकाली है ठीक है डब्ल्यू ए हमने अभी फाइंड आउट किया है जीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव के जी एंड एम बी की वैल्यू थ्री फोर्टी टू ग्राम पर मोल आ गया राइट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी दैट इज़ फाइव ग्रैम ठीक है अब देखा जाए ग्राम के साथ में ग्राम कैंसिल कर सकती हूँ राइट और बाकी जो है हमारे पास यूनिट के आएंगे के जी कैलविन पर मोल राइट सो so, अब टू पॉइंट वन फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव इंटू थ्री फोर्टी टू ठीक है आपके पास के एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी के एफ इक्वल तो टू सिक्सटी नाइन पॉइंट एट फाइव कैलविन के जी पर मोल डिवाइडेड बाय हो जाएगा, राइट सो सिक्सटी एट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव के एफ की वैल्यू थर्टीन पॉइंट सेवन कैलविन के जी पर मोल आ गई राइट right? अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप राउंड ऑफ करके फोर्टीन मान सकते हो सो के एफ इक्वल टू फोर्टीन कैलविन के जी पर मोला डेल्टा टी एफ के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अगेन, नाउ यू कैन राइट फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए ये भी हम के जी में लेंगे सो यू कैन राइट इन के जी इन टू एम B. अब हमने गिवन वैल्यूज देखनी है ठीक है के एफ हमने फाइंड आउट किया है डब्ल्यू बी ऑब्वियसली फाइव परसेंट हमारे पास बोल रहे हैं कि जब ग्लूकोज अपने वाटर में डिजोल्व किया तो अगर मैं सोल्यूशन जो है उसको हंड्रेड ग्राम का मान रही हंड्रेड परसेंट की विध रिस्पेक्ट हम हंड्रेड ग्राम का ही मानेंगे ठीक है कैलकुलशन ईजी करने के लिए तो डब्ल्यू बी कितना जाएगा फाइव परसेंट के हिसाब से फाइव ग्राम फिर से हम डब्ल्यू ए देख सकते हैं सो वो कितना होगा हंड्रेड ग्राम का सोल्यूशन है माइनस सोल्यूट कर दोगे सो हंड्रेड माइनस फाइव नाइन्टी फाइव ग्राम आ गया राइट तो इसको भी अगेन हमने के में कन्वर्ट करना है नाइन्टी फाइव ग्राम को ऊपर हमने के में कन्वर्ट किया है वो कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव के राइट

इंटू सिक्स हाइड्रोजन का वन ग्राम पर मोल इंटू ट्वेल्व और ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम पर मोल इंटू सिक्स सो ट्वेल्व सिक्स द सेवेंटी टू आ गया राइट वन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व आ गया सिक्सटीन इंटू सिक्स नाइन्टी सिक्स आ गया यूनिट्स मैंने कॉमन निकाल लिए ग्राम पर मोल नाउ 72 प्लस 12 प्लस 96 द आंसर इज़ 180 ग्राम पर मोल सारी वैल्यूज निकल गई है अब हम डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ की वैल्यू दैट इज़ 14 कैल्विन केजी पर मोल राइट बी की वैल्यू 5 ग्राम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए की वैल्यू दैट इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव के जी एम बी की वैल्यू वन एटी ग्राम पर मोल नाउ अब हम कैंसिल करेंगे यूनिट सो मोल इनवर्स के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो गया के जी के साथ अपने के जी कैंसिल कर दिया राइट right? ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया यूनिट्स क्या रहेगा केवल कैलविन ठीक है जो कि हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट होते हैं टी एफ इक्वल टू है डिवाइडेड केवल जीरो सो सेवेंटी डिवाइडेड बाय 17.1 पॉइंट वन डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास फोर पॉइंट जीरो नाइन थ्री कैलबिन आ गई डेल्टा टी एफ आ गया अब हम टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो यू कैन राइट हैंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट ग्लूकोज सॉल्यूशन इज उसे हम टी एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे राइट वो क्या हो जाएगा हमारे पास टी एफ नॉट मतलब कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है माइनस डेल्टा टी एफ दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट राइट सो टी एफ नॉट की वैल्यू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस डेल्टा टी एफ फोर पॉइंट जीरो नाइन थ्री राइट सो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस फोर पॉइंट जीरो नाइन थ्री योर आंसर इज टू सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव सेवन कैल्विन ठीक है इसको आप राउंड ऑफ करके टू सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स कैल्विन भी लिख सकते हो ठीक है ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन आ गया है राइट right?